आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि यह सत्य हर भारतीय तक पहुंचे और वीडियो अंत तक देखना। आपको भी आपके साथ हुए षड्यंत्र का पता चलना चाहिए। और लकड़बग्घो, आप इस वीडियो को देखो ही मत, क्योंकि इसे अंत तक विवेक और बुद्धि से युक्त लोग ही झेल पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं पी नरेश, अश्विन और योगेश जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने क्रमशः 516, 1000 और 251 रुपए का सहयोग UPI के माध्यम से भेजा है। आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में मोनियर विलियम्स के बारे में कहा था कि उसने और अन्य ब्रिटिशर्स ने संस्कृत ग्रंथों के गलत ट्रांसलेशंस किए थे ताकि उनके मिशनरी एजेंडाज चल पाए। ऐसी एक वीडियो का लिंक आपको फिलहाल आई बटन पर दिख जाएगा, जिसे आप बाद में देख लीजिएगा। पर प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में मेरी बात सही थी या फिर मोनियर विलियम्स एक संस्कृत प्रेमी देव मानुष था और वैसे ही उसके पीछे खड़े सभी लोग थे। आज हम सबका सत्य जानेंगे। वीडियो में 5 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1, द गुड एंड नोबल मोनियर विलियम्स। चैप्टर 2, द ट्रू जेम्स ऑफ मोनियर विलियम्स। चैप्टर 3, टाइम टू नो H.H. विल्सन। चैप्टर 4, टाइम टू नो द बोर्डन बोस। चैप्टर 5, द रूट्स ऑफ द बोस। चैप्टर 1, द गुड एंड नोबल मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स एक ब्रिटिश स्कॉलर था जिसने एक डिक्शनरी कंपाइल की थी जो 1872 में संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी के नाम से पब्लिश हुई थी। इसका सेकेंड एडिशन 1899 में पब्लिश हुआ था। इस डिक्शनरी को ब्रिटिशर्स ने धड़ल्ले से यूज किया था। कब, कहां और कैसे, वह आपको आगे पता चल जाएगा। इस डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन के सेक्शन 1 के पेज 12 पर मोनियर विलियम्स ने लिखा, द हिंदूज आर परहैप्स द ओनली नेशन एक्सेप्ट द ग्रीक्स वू हैव इन्वेस्टिगेटेड इंडिपेंडेंटली एंड इन अ ट्रूली साइंटिफिक मैनर द जनरल लॉज विच गवर्न द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। अर्थात ग्रीक्स के अलावा हिंदू ही एकमात्र राष्ट्र है जिन्होंने भाषा के विकास के नियमों का स्वतंत्र और वैज्ञानिक चिंतन किया है। पेज 21 पर मोनियर संस्कृत साहित्य की रिचनेस और हिंदुओं की वैज्ञानिक रीच के विषय में लिखते हैं कि नोर इट इज मियर नंबर दैट एस्टोनिशेस अस, वी आर अपार्ट बाय द लेंथ ऑफ सम ऑफ इंडियाज लिटरेरी प्रोडक्शंस एज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टांस, वर्जिल्स इनियड इज सेट टू कंसिस्ट ऑफ 9000 लाइंस, होमर्स इलियड ऑफ 12000 लाइंस and Odyssey of 15,000 lines, whereas the Sanskrit epic poem called Mahabharat contains at least 2 lakh lines. Indian works, while in wisdom, depth and shrewdness of their moral epithems, they are unrivaled. More than this, the Hindus had made considerable advances in astronomy, algebra, arithmetic, botany and medicine, not to mention their superiority in grammar. Long before some of these sciences were cultivated by most ancient nations of Europe. मतलब मोनियर यहाँ स्वीकार रहे हैं कि ना साहित्य में, ना विजडम में, ना एस्ट्रोनॉमी में, ना एल्जेब्रा में, ना अर्थमेटिक में, ना बोटनी में, ना मेडिसिन में और ना ही व्याकरण में हिंदुओं की तरह भारत को प्राचीन यूरोप का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता था। इंट्रोडक्शन के सेक्शन 3 में मोनियर कहते हैं, बाय संस्कृत देन इज मेंट द लर्नेड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ इट्स कल्चर्ड इनहेबिटेंट्स, द लैंग्वेज ऑफ इट्स रिलीजन, its literature and science, not by any means a dead language, but one still spoken and written by educated men in all parts of the country, from Kashmir to Cape Camorin, from Bombay to Calcutta and Madras. तो यहाँ मोनियर विलियम्स संस्कृत को एक जीवंत और महत्वपूर्ण भाषा बता रहे हैं। अरे रे रे, वेट अ मिनट, मैं तो यहाँ मोनियर विलियम्स को अच्छा भला मानुष बताने लगा ना, बट इट्स अ बिग बट। कभी कभी किसी की वास्तविकता जानने के लिए अध्ययन गहन करना पड़ता है। और अब आता है चैप्टर 2, द ट्रू जेम्स ऑफ मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स कोई भला मानुष नहीं अपितु एक चतुर व्यक्ति था जिसे ज्ञात था कि भारतीय क्या है। हालांकि इसे भी आर्यन इन्वेजन और कास्टिज्म का कीड़ा काट चुका था, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। वह भारतीयों के कैलिबर को अच्छे से समझता था और जानता था हमें क्रिश्चियन बनाना आसान नहीं होगा। 1872 में अपनी डिक्शनरी पब्लिश करने से एक दशक पहले 1861 में मोनियर विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड में द स्टोरी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया शीर्षक से एक लेक्चर डिलीवर किया था। जरा इसका पहला पैराग्राफ देखिए, इंडिया इज ऑफ ऑल द पोजेशंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंट्स द मोस्ट इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू द मिशनरी ही दैट इज ब्रिटेन हैज देयर नो कॉमन कंट्री और पीपल टू डील विद नो ऑर्डिनरी रिलीजन ही इज नॉट देयर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सैवेज ट्राइब्स हु मेल्ट अवे बिफोर द सुपीरियर फोर्स एंड इंटेलिजेंस ऑफ द यूरोपियंस ब्रिटेन इज प्लेस्ड इन द मिड्स ऑफ अ ग्रेट एंड एंशियंट पीपल
who many of them tracing back their origin to the same stock as ourselves, attained a high degree of civilization when our forefathers were barbarians and had a polished language and literature when English was unknown. तो आपको क्या लगता है, ब्रिटेन ने हमें क्रिश्चनाइज करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया होगा? मोनियर विलियम्स ने अपनी डिक्शनरी के प्रीफेस के पेज 7 पर यह भी स्वीकारा कि उसकी डिक्शनरी परफेक्ट नहीं है और ना कभी हो पाएगी। इसका एक्चुअल रीजन वो पेज 13 पर लिखता है। वह कहता है कि धातुओं के आधार पर एक वृहद डिक्शनरी बनाना एक फिलोलॉजिकल ड्रीम है, अ ड्रीम हाउएवर विच कुड नॉट रिसीव प्रैक्टिकल शेप विदाउट रेजिंग द लेक्सिकॉन टू अ लेवल ऑफ साइंटिफिक परफेक्शन अनसुटेड टू द नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो क्यों एक परफेक्ट डिक्शनरी स्टूडेंट्स के लिए अनसुटेड थी? क्योंकि डिक्शनरी का पर्पस ही मिशनरी था। पेज 11 पर मोनियर लिखता है, वन कंसिडरेशन विच लेड माई प्रेडिसेसर टू पास ऑन टू मी हिज प्रोजेक्ट ऑफ अ रूट अरेंज्ड लेक्सिकॉन वॉज दैट ऑन बींग इलेक्टेड टू द बोर्डन चेयर ही फेल्ट दैट द एलेबोरेशन ऑफ सच अ वर्क वुड बी इनकम्पेटिबल विद द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द बोर्डन प्रोफेसरशिप वॉज फाउंडेड। एज टू माई ओन कोर्स द सेम कंसिडरेशन विच एक्चुएटेड माई प्रेडिसेसर ऑपरेटेड इन माई केस वेन I was elected to fill the Bowdoin chair in his room in 1860. तो स्पष्ट है, मोनियर के पूर्ववर्ती अधिकारी ने धातुओं पर आधारित वृहद डिक्शनरी बनाने का काम ड्रॉप करके मोनियर को सौंप दिया, क्योंकि यह काम उनके प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इनकम्पेटिबल था। और मोनियर ने भी अपने पूर्ववर्ती अधिकारी का रास्ता ही फॉलो किया। पर यह प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ लिखा है, द मेन ऑब्जेक्ट वॉज रियली अ मिशनरी वन। अब मोनियर के प्रेडिसेसर और बोर्डन प्रोफेसरशिप को समझते हैं। चैप्टर 3, टाइम टू नो H.H. विल्सन। मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी के पेज 9 पर लिखा है, इट वॉज ऑन दिस अकाउंट दैट व्हेन माय डिस्टिंग्विश्ड प्रेडिसेसर एंड टीचर प्रोफेसर H.H. विल्सन वॉज कैंडिडेट फॉर द चेयर इन 1832, हिज लेक्सिकोग्राफिकल लेबर्स वर पुट फॉरवर्ड एज हिज प्रिंसिपल क्लेम टू इलेक्शन। श्योरली देन इट नीड नॉट बी थॉट सरप्राइजिंग इफ फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ माय वेटरन मास्टर आई हैव मेड इट द चीफ एम ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ आवर सेक्रेड स्क्रिप्चर्स इनटू संस्कृत। मतलब H.H. विल्सन ही मोनियर का गुरु और पूर्ववर्ती अधिकारी था जिसके पद चिन्हों पर मोनियर चल रहा था। होरेस हेमन विल्सन एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट था। इसी के किए वेदों के ट्रांसलेशन को प्लास्टिक्स आपको दिखा दिखा कर ट्रोल करते हैं। तो आइए अब इसे समझते हैं। H.H. विल्सन भी ऊपर से तो बड़ा संस्कृत प्रेमी लगता था, पर गौर से देखने पर ये भी मिशनरी एजेंट ही था। H.H. विल्सन के कई लेख, एसेज एंड लेक्चर्स चीफली ऑन द रिलीजन ऑफ हिंदूज नामक पुस्तक में संकलित हैं। इस पुस्तक के वॉल्यूम 2 के पेज 115 पर विल्सन की हिंदुओं की आत्मा और परमात्मा की विचारधारा पर एक टिप्पणी है, इट विल नॉट हैव एस्केप्ड योर ऑब्जर्वेशन दैट इन ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेकुलेशंस अपॉन द नेचर ऑफ सुप्रीम बींग एंड मैन अपॉन मैटर एंड स्पिरिट द हिंदूज ट्रेवर्स द वेरी सेम ग्राउंड दैट वॉज फेमिलियरली ट्रोडन बाय द फिलोसफर्स ऑफ ग्रीस एंड रोम एंड शोन टू बी fallacious and false by the ethereal spear of Christian truth। अर्थात हिंदुओं की मान्यताओं को वह झूठा तो मानता ही था, साथ ही कहता था कि क्रिश्चियनिटी के सत्य का भाला ही इन्हें खंडित करता है। पेज 80 पर विल्सन कहता है, द होल टेंडेंसी ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन इज टू एनफोर्स डिपेंडेंस अपॉन अथॉरिटी इन द फर्स्ट इंस्टांस अपॉन द गुरु इन द नेक्स्ट अपॉन द बुक्स दैट इज अवर शास्त्रास इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू शो दैट हिज अथॉरिटीज आर वर्थलेस। तो अब आप ही सोचिए कि वेदों को वर्थलेस बताने हेतु उसने कैसे ट्रांसलेशंस किए होंगे। जनवरी 1918 में द इंडियन रिव्यू का 21वां अंक पब्लिश हुआ था। पेज 286 पर विल्सन एज बोर्डन प्रोफेसर नामक लेख है। यहाँ लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट ही डिलीवर्ड 2 पब्लिक लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड बिफोर जनरल ऑडियंसिस ऑन द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज। दीज लेक्चर्स वर रिटर्न टू हेल्प कैंडिडेट फॉर अ प्राइज ऑफ 200 पॉइंट्स गिवन बाय मिस्टर जॉन मुयर फॉर द बेस्ट रिफ्यूटेशन ऑफ द हिंदू रिलीजियस सिस्टम। अर्थात विल्सन हिंदुओं की मान्यताओं को खंडित करने वाले कैंडिडेट्स को प्राइज मनी जीतने में हेल्प करने के लिए ऑक्सफोर्ड में लेक्चर्स तक देता था। क्या अब भी आपको लगता है कि H.H. विल्सन ने ठीक ट्रांसलेशंस किए होंगे? अब विल्सन और विलियम के कॉमन थ्रेड को जानते हैं। चैप्टर 4, टाइम टू नो द बोर्डन बोस। आपने यहाँ गौर तो दिया ही होगा कि यहाँ विल्सन को बोर्डन प्रोफेसर कहा गया है। मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी के अनुसार भी H.H. विल्सन और मोनियर विलियम्स दोनों बोर्डन चेयर होल्ड करते थे। पर ये बोर्डन चेयर क्या थी? जोसेफ बोर्डन ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जो 1811 में गॉड को प्यारा हो गया था।
अब विशेष बात है जोसेफ बोर्डन की वसीयत। मैंने काफी माथा खपाकर जोसेफ बोर्डन की वसीयत ढूंढी, पर यह कैलीग्राफिक थी जिसे यदि मैं पढूं तो विरोधी मानेंगे नहीं, पर सौभाग्य से यह वसीयत द ऑब्जर्वर के 19 नवंबर 1827 के अंक में पब्लिश हुई थी। इसे भी मैं काफी मुश्किल से प्राप्त कर पाया, वो भी एक साथी दर्शक की सहायता से। जरा जूम इन करते हैं, पर यहाँ भी विरोधी कहेंगे कि इमेज साफ नहीं है। तो इस वसीयत का कुछ अंश ब्रिटिश रजिस्टर वॉल्यूम 23 पार्ट 2 में पब्लिश हुआ था, पेज 791 देखिए। लेट लेफ्टिनेंट कर्नल बोर्डन ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी सर्विस, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल डेटेड अगस्त 15, 1811। आई डू हियर बाई गिव एंड बेक्विथ ऑल एंड सिंगलर माई सेड रेजिड्यूरी एस्टेट एंड इफेक्ट्स विद द एक्यूमुलेशन देयर ऑफ इफ एनी एंड द स्टॉक्स funds and securities whereon the same shall have been laid out and invested unto the University of Oxford to be by that body appropriated in and towards the erection and endowment of a professorship in the Sanskrit language at or in any or either of the colleges of the said university, being of opinion that a more general and critical knowledge of the language will be a means of enabling my countrymen to proceed in conversion of the natives of India to the Christian religion. तो स्पष्ट है, ऑक्सफोर्ड की बोर्डन प्रोफेसर की कुर्सी का एम ही हमारा कन्वर्जन था। इसी कुर्सी का फर्स्ट ऑक्यूपेंट था H.H. विल्सन और दूसरा मोनियर विलियम्स। अब तार आप खुद जोड़ लीजिए, लेकिन कहानी इन चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। चैप्टर 5, द रूट्स ऑफ द बोस। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1810 के एनुअल अकाउंट्स के पेज 295 पर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जॉन बैब का हाउस ऑफ कॉमन्स को लिखा लेटर है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, विद इन दीज लास्ट 5 वीक्स हंड्रेड्स ऑफ पिटिशंस हैव बीन प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वेरियस मीटिंग्स एंड रिलीजियस एसोसिएशंस इन टाउन एंड कंट्री एंड फ्रॉम न्यूमरस प्लेसेस थ्रू आउट द किंगडम, ऑल हैविंग वन कॉमन ऑब्जेक्ट विज द कन्वर्जन ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। अर्थात ब्रिटेन में दुनिया भर के लोग हमारा कन्वर्जन ही चाहते थे। 1792 में लिखी गई ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में चार्ल्स ग्रांट का ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को लिखा पत्र मिलेगा। जरा यहाँ भी ध्यान दीजिए, इन अर्लियर पीरियड्स द कंपनी मैनिफेस्टेड अ लॉडेबल ज़ील फॉर एक्सटेंडिंग एज फार एज इट्स मींस देन वेंट द नॉलेज ऑफ द गॉस्पेल टू द पेगन ट्राइब्स अमंग हुम इट्स फैक्ट्रीज वर प्लेस्ड। आरसी मजूमदार की बुक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ब्रिटिश पैरामाउंट सी एंड इंडियन रेनेसेंस के पेज 337 पर गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स का वक्तव्य उद्धृत है, द हिंदू अपीयर्स अ बीइंग नियरली लिमिटेड टू मियर एनिमल फंक्शन एंड इवन इन देम इनडिफरेंट, देयर प्रोफिशियंसी एंड स्किल इन द सेवरल लाइन्स ऑफ ऑक्यूपेशन टू विच दे आर रेस्ट्रिक्टेड आर लिटल मोर देन द डेक्सटेरिटी विच एनी एनिमल विद सिमिलर कन्फर्मेशन बट विद नो हायर इंटेलेक्ट देन अ डॉग एंड एन एलिफेंट और अ मंकी माइट बी सपोज टू कैपेबल ऑफ। अब ब्रिटिश प्रेमी क्या बोलेंगे? द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के वॉल्यूम 6 के पेज 125 और 126 पर एलेक्जेंडर डफ के 1830 में कलकत्ता आने का वर्णन है। यहाँ लिखा है, हिज प्लान वॉज टू ओपन एन इंग्लिश स्कूल विच शुड बाय एंड बाय डेवलप इनटू अ कॉलेज, दिस टू बिकम द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ ग्रेट कैंपेन अगेंस्ट हिंदुइज्म, द बाइबल वॉज टू बी द ग्रेट सेंटर एंड हर्ट ऑफ ऑल हिज वर्क एंड द लीडिंग एम ऑफ द मिशन वुड बी टू इम्प्रेस इट्स ट्रुथ्स। तो स्पष्ट है, ब्रिटिशर्स का शुरू से ही एजेंडा था भारत का क्रिश्चियनाइजेशन। तो इतने प्रमाण देखने पर आपको क्या लगता है कि ब्रिट्स ने आपके ग्रंथों, आपकी संस्कृति और आपकी संस्कृति के साथ क्या किया होगा? पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।